2010 के संकल्प को जो है फिर से लागू किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट के किसी एक निर्णय को इम्प्लीमेंट करने की बात हम लोगों के समक्ष आई है और कोर्ट का निर्णय के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें और जो टेक्निकलिटीज है मैं जब समझ लूंगी तब उस पर जवाब दूंगी। देखिए, निशिकांत जी का डिग्री तो सवाल के घेरे में है ही, साथ ही साथ उनका जो एफिडेविट है जो उन्होंने 2009 के चुनाव में दिया या 2014 के चुनाव में दिया या फिर 2019, ये जांच का विषय है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उन एफिडेविट्स को पढ़ें। जो उन्होंने 9 और 14 में दिया था उसको बदलने का काम 2019 में किया है। फेक डिग्री के एलिगेशन में उनकी सदस्यता भले ना रद्द हो लेकिन उन्होंने गलत हलफनामा दिया है जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पर सवाल करना कहाँ गलत है मुझे बताइए। सच जो है वो सामने जनता के आज नहीं कल आएगी और उनकी जो पुरुष मानसिकता है वो भी लोगों के सामने आएगी, जनता उसका जवाब देगी। भाई सच तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी भाजपा के नेता को पसंद नहीं आता अगर, और सवाल और वो भी एक सशक्त महिला के द्वारा तो और भी बुरा है। जब से NHAI के रोड का मामला मैंने उठाया तब से वो खासे चिढ़े हुए मुझसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जनता के लिए उस कीचड़ में बैठने का काम किया था और आज वो सड़क बन भी रही है। तो अब इन बातों से अगर उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नगर छुपा के कुछ बोलने की क्या बात है, वो भी हमारे समाज के हिस्सा है। क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? और आप उनका अगर सम्मान करते हैं तो क्या आप किस उन पर एहसान कर रहे हैं? तो ये मानसिकता उनकी गलत है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। सवाल ये है कि अडानी और अंबानी पर क्या JPSC गठित होगा कि नहीं पार्लियामेंट में, क्या राहुल जी को सवाल उनकी बातों उनसे जो सवाल किया गया हो उसका जवाब देने के लिए सदन पर में मौका दिया जाएगा कि नहीं, या फिर पार्लियामेंट के माइक हमेशा के लिए सबके लिए म्यूट हो जाएंगे ये